हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हमने शुरू की है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की टॉप 150 क्वेश्चंस की सीरीज। तो आज इसका पार्ट वन डिस्कस करेंगे। पिछले कल हमने पार्ट वन इसका डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चंस देखे थे जो हर बार टेट में आते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं और ये आपके आर्ट्स, टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर अगर आपका जेबीटी का टेट हो उसमें भी जो चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम टॉप 150 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आगे भी वीडियोस आएंगी तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है ताकि आगे जब वो वीडियोस आएं तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में पार्ट वन में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 इज वेयर द वर्ड साइकोलॉजी डज कम फ्रॉम, कि जो वर्ड है साइकोलॉजी वो कहाँ से लिया गया है। क्या वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक से, या फिर इटालियन से, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक, कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है। और ग्रीक में भी किन वर्ड से, जो साइकोलॉजी शब्द है वो लिया गया है साइकी प्लस लोगस, जहाँ पर साइकी का मतलब होता है स्पिरिट या फिर आप माइंड भी कह सकते हो, जबकि जो लोगस है उसका मतलब होता है स्टडी। सो अकॉर्डिंग टू ग्रीक लैंग्वेज साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड या फिर स्टडी ऑफ स्पिरिट। और आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो साइकोलॉजी है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है, आप वहाँ पर ऑप्शन टिक करोगे साइकी प्लस लोगस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्टी टू सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप बाय, कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी उसको किसने डेवलप किया था। ऑप्शंस हैं आपके पास ए अल्बर्ट बेंजूरा, बी कोहलर, सी कोहलबर्ग या फिर वाइगोत्स्की, ठीक है। तो अल्बर्ट बेंजूरा ने दी थी आपकी थ्योरी सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं, यानी कि वो अपने बड़ों की नकल करते हैं, वो थी हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी। और कोहलर ने कौन सी थ्योरी दी थी, कोहलर ने थ्योरी दी थी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, और कोहलबर्ग ने दी थी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और वाइगोत्स्की ने दी थी सोशो कल्चर थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, क्योंकि थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 प्याजेज स्टेज फॉर इन्फेंसी इज, कि इन्फेंसी के लिए प्याजे की कौन सी स्टेज थी। ऑप्शंस हैं आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चार स्टेजेस जीन प्याजे ने दी थी अपनी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो जिसमें आपकी सबसे पहली स्टेज थी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो थी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चे की एज थी 0 to 2 years, तो यही स्टेज होता है इन्फेंसी का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 34 एन इंडिविजुअल बिकम्स अ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कि कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी सोशल ग्रुप का मेंबर कैसे बन सकता है। लर्निंग से बन सकता है, सोशलाइजेशन से बन सकता है, मैच्योरेशन से बन सकता है, या फिर एजिंग से बन सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जो सोशलाइजेशन होती है उससे बच्चा किसी भी सोसाइटी का एक ग्रुप का मेंबर बनता है, सो सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 इन पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज टू, हम कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं। ऑप्शंस हैं ए मोटिवेट द लर्नर, लर्नर को मोटिवेट करने के लिए, इंटरैक्ट विद लर्नर, लर्नर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, या फिर फीडबैक देने के लिए, ठीक है, एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो तीनों ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की, इन तीनों के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, कि एडोलेसेंस को पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस किसने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये मैक्सिमम रिपीट होता क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं ए स्टेनली कुहन,
स्टैनली हॉल, विलियम जेम्स या फिर जुंग। ठीक है, तो राइट आंसर है जिन्होंने एडोलेसेंस को कहा था पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, वो थे स्टैनले हॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, दैट इज स्टैनले हॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन। तो आपको कमेंट करके लिखना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्निंग किस पर बेस होती है? हेरिडिटी पे होती है, एनवायरमेंट पे होती है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर मेंटल फैक्टर्स पर होती है। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग जो लर्निंग होती है दैट इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज एनवायरमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, ठीक है, इंटेलिजेंस इज आगे डैश, मॉडर्न व्यू के अनुसार इंटेलिजेंस क्या है? क्या इंटेलिजेंस वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है या फिर मल्टी डायमेंशनल है या फिर नन ऑफ दीज? ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, सो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी वो भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 39, केटल्स मैथड फॉर स्टडिंग पर्सनैलिटी वॉज, केटल ने जो मैथड दिया था पर्सनैलिटी को स्टडी करने का वो कैसा था? क्या वो इंट्रोस्पेक्शन मैथड था, फैक्टर एनालिसिस थी, एक्सपेरिमेंटल था या फिर प्रोजेक्टिव था? ठीक है, सो केटल का जो मैथड था वो था ऑन द बेसिस ऑन फैक्टर एनालिसिस, सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल, मोटिवेशनल साइकिल की फर्स्ट स्टेज कौन सी है? ऑप्शंस हैं गोल, ड्राइव, इंसेंटिव या फिर नीड। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोटिवेशन साइकिल है उसके कितने स्टेजेस हैं या फिर उसके कितने स्टेप्स हैं। ठीक है, सो मोटिवेशनल साइकिल के टोटल 6 स्टेप्स या फिर आप 6 स्टेजेस उनको कह सकते हो, और उनको आपको इस तरह से याद रखना है एन डी ए जी ए आर। ठीक है, एन डी ए गार। ठीक है, तो एन मीन्स नीड, ठीक है, डी मीन्स ड्राइव, ए मीन्स अराउजल और जी मीन्स गोल डायरेक्टेड एंड ए मीन्स अचीवमेंट एंड आर मीन्स रिडक्शन ऑफ अराउजल। ठीक है, तो ये 6 स्टेजेस हैं मोटिवेशनल साइकिल की, सो इसमें से आपका फर्स्ट स्टेज कौन सी है? फर्स्ट स्टेज है हमारी नीड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि सेकंड स्टेज कौन सी है, तब आप लिखोगे ड्राइव, और थर्ड है आपकी अराउजल, फोर्थ है गोल डायरेक्टेड, फिफ्थ है आपकी अचीवमेंट एंड सिक्स स्टेज है रिडक्शन ऑफ अराउजल। सो ये था मोटिवेशनल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 41, आईक्यू ऑफ मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन विल बी, जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चा होता है उसका आईक्यू कितना होता है? ऑप्शंस हैं बिलो 70, 70-79, 80-89 या फिर 90-99। ठीक है, तो मेंटली चैलेंज जो बच्चा होता है उसका आईक्यू होता है बिलो 70, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग, की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होती है, किस स्टेज में डेवलप होती है? और यहाँ पर 4 स्टेजेस दी गई हैं, जीन प्याजे ने जो स्टेजेस दी थी अपनी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उन स्टेजेस में से किस स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू करता है? ऑप्शंस हैं आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। तो जो हमारी लास्ट स्टेज होती है दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू करता है, उसमें आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो गई होती है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है कि आप उन वस्तुओं के बारे में सोच सकते हो जो आपके सामने नहीं है। ठीक है, सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, एरिक्सन स्टेज फॉर एडोलेसेंट्स इज, एरिक एरिक्सन ने एडोलेसेंट्स के लिए कौन सी स्टेज दी थी? ठीक है, सो जो एरिक एरिक्सन ने उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? एरिक एरिक्सन ने थ्योरी दी थी साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी एरिक एरिक्सन ने।
ठीक है, और उस थ्योरी में उन्होंने कितने स्टेजेस दिए थे? एरिक एरिक्सन ने स्टेजेस दिए थे 8 स्टेजेस की उन्होंने बात की थी, ठीक है। सो उनमें से कौन सा स्टेज ऐसा था जिसमें उन्होंने एडोलेसेंट्स की बात की थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं आपके आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। सो एरिक एरिक्सन की थ्योरी से हमेशा एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको रेडी करके जाना है एरिक एरिक्सन की थ्योरी। सो एडोलेसेंट्स के लिए एरिक एरिक्सन ने बात की थी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कि जो एडोलेसेंस एज होती है, यानी कि वो एज होती है आपकी 12 से लेकर 20 ईयर्स के बीच, ये एरिक एरिक्सन ने कहा था। और इसमें बच्चा आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, और अगर वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाए तो उसमें रोल कन्फ्यूजन का कॉन्फ्लिक्ट है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी इज, ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी का सेंटर पॉइंट क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, इड, सुपर ईगो, इन्वायरमेंट, या फिर सेल्फ। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म सेल्फ इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 45, इन क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, सो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? सो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी इवान पावलोव ने, और उसमें इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग के ऊपर, ठीक है। तो उसमें फूड क्या है? क्या फूड कंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन रिस्पॉन्स है, या फिर अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स तो हो नहीं सकता है, तो आपको चूज करना है ऑप्शन ए या फिर बी में से। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ जो फूड था वो अनकंडीशन स्टिमुलस था, फूड पर कोई कंडीशनिंग नहीं की गई थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 46, फ्रूड कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विद 3 पार्ट्स, इड, ईगो एंड, ठीक है। फ्रूड ने कौन सी थ्योरी दी थी? फ्रूड ने पर्सनैलिटी के लिए थ्योरी दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। उसमें उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था पर्सनैलिटी को, वो कौन कौन से पार्ट थे? एक था इड, एक थी ईगो, और एक थी सुपर ईगो। तो हमारा डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 47, अ पॉजिटिव री इन्फोर्सर इज, पॉजिटिव री इन्फोर्सर क्या होता है, क्या हो सकता है, ठीक है। पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट पॉजिटिव री इन्फोर्सर यहाँ पर नहीं होगा। लाउड नॉइज, नो। फियर, नो। रिवार्ड, यस। सो रिवार्ड इज़ द पॉजिटिव री इन्फोर्सर, कि आप अगर बच्चे को रिवार्ड दोगे तो वो री इन्फोर्समेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज ईजियर इन, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है जब आप किसी को कुछ सिखाते हो, वो कब ईजी होता है? सिमिलर सिचुएशन में, डिसिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर और डिसिमिलर सिचुएशन दोनों में, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। सो डिसिमिलर सिचुएशन नहीं हो सकती है, तो ये दोनों रॉन्ग आंसर्स हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कि सिमिलर सिचुएशन में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो होती है वो ईजियर होती है। क्वेश्चन नंबर 49, STM स्टैंड्स फॉर, ठीक है, जो STM है उसकी फुल फॉर्म क्या कह सकते हो आप? सेंसरी टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सिंपल टर्म मेमोरी, या फिर नन ऑफ दीज। सो STM स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो बिल्कुल थोड़े समय के लिए आप याद रख सकते हो उन चीज़ों को, वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, आप इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो? ऑप्शन देख लेते हैं, ए, नॉलेज ऑफ ग्रेट मैनी फैक्ट्स, या फिर द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, या फिर द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, या फिर ऑल द फैक्टर्स दैट मेक वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि इंटेलिजेंस है एबिलिटी कि हम एब्स्ट्रैक्टली सोच सकें और अपने एक्सपीरियंस से सीख सकें। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछा गया है HP टेट में, ठीक है। सो कोकेन, निकोटीन एंड टोबैको आर, कोकीन, निकोटीन और टोबैको क्या होते हैं? क्या वो स्टिमुलेंट्स हैं, डिप्रेजेंट्स हैं, हेल्यूसिनोजेंस हैं, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। सो ये सब हैं स्टिमुलेंट्स, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 52, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एचपी टेट में कि एवरेज आईक्यू क्या होता है किसी भी पर्सन का, ठीक है। ऑप्शंस हैं ए 130 to 150, बी 70 to 90, सी 50 to 70, या फिर डी 90 to 110, ठीक है। सो एवरेज आईक्यू होता है आपका 90 to 110, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम्स फ्रॉम, कि हेरिडिटी जीन्स में पाई जाती है और वो जीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, या फिर पेरेंट्स, ठीक है। सो जीन्स आते हैं हमें पेरेंट्स से, तभी हमारे जो गुण होते हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, पिट्यूटरी इज नोन एज द, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, उसको और क्या कहा जाता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके, ए सिंपल ग्लैंड, स्पेसिफिक ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आई क्यू, ध्यान से देखना कि कॉन्सेप्ट की बात की गई है आई क्यू की, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1912। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए बिने, बी टर्मन, सी हल, या फिर डी स्टर्न, ठीक है। जब बात आती है कॉन्सेप्ट की, सो कॉन्सेप्ट दिया है आई क्यू क्या, विलियम स्टर्न ने, ठीक है। और आई क्यू टेस्ट दिया है किसने, अल्फ्रेड बिने ने। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कॉन्सेप्ट में और आई क्यू टेस्ट में। और जो आई क्यू टेस्ट था जो बिने ने दिया था वो कब दिया था, 1908 में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, हु गेव दिस स्टेटमेंट, कि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो तब डेवलप होती है जब वो सोशल इंटरैक्शन करता है ह्यूमंस के साथ, ये स्टेटमेंट किसने दी थी। सो सोशियो कल्चर थ्योरी की बात किसने की थी, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए वाइगोत्स्की, पियाजे, क्लार्क, चॉम्स्की, ठीक है। सो सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी वाइगोत्स्की ने, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि बच्चा समाज में जितना इंटरेक्ट होगा उतनी ही उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, गेस्टाल्ट मींस, गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है। हमने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की भी बात की थी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। सो गेस्टाल्ट मींस, ऑप्शंस हैं ए एज अ चेंज, बी एज अ मशीन, सी एज अ होल, या फिर डी एज अ बिहेवियर। सो गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज अ होल, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी द इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग इज और आर। सो थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी, थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी उन्होंने दी थी, और उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, एक कैट पर, जिसको उन्होंने एक पजल बॉक्स में रखा था, ठीक है। तो ये बात हो गई थॉर्नडाइक थ्योरी की। सो उन्होंने इसमें कौन कौन से लॉज दिए थे, ऑप्शन देख लेते हैं, ए लॉ ऑफ रेडीनेस, बी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सी लॉ ऑफ इफेक्ट, या फिर डी ऑल ऑफ देम। सो थॉर्नडाइक ने इन तीनों लॉज की बात की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, ओके। क्वेश्चन नंबर 59, डेवलपमेंट इज़ अ डैश प्रोसेस, डेवलपमेंट किस तरह का प्रोसेस है, यानी कि जो विकास है वो किस तरह का प्रोसेस है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, ए स्प्लिट, बी कॉन्टीन्यूस, सी होल, या फिर डी ब्रोकन। सो जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहने वाला प्रोसेस है, निरंतर चलती रहती है डेवलपमेंट, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, चाइल्ड इज बोर्न विद अ सिस्टम टू लर्न अ लैंग्वेज, हु गेव दिस स्टेटमेंट, कि बच्चा जन्म लेता है एक सिस्टम के साथ जिससे वो लैंग्वेज सीख सकता है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक,
सी पियाजे या फिर डी चॉम्स्की। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चॉम्स्की ने ऐसा कहा था। जो नॉम चॉम्स्की थे उन्होंने कहा था कि बच्चा जन्म से ही एक सिस्टम के साथ पैदा हुआ है ताकि वो लैंग्वेज सीख सके, और उन्होंने बात की थी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की जो बच्चे के माइंड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और साथ में उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेट ग्रामर की भी बात की थी, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे और 30 क्वेश्चंस की। और इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।